राम राम मध्य मात्रा मध्यमांचल फिर से मेरे नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको फिर से टाटा एस गाड़ी के बारे में कुछ एक नई समस्या के बारे में बताने वाला हूं। जो टाटा एस गाड़ी है अक्सर सभी को ये समस्या आती है कि गाड़ी दब रही है, तीसरे गियर से आप जैसे चौथा गियर लगाओगे तो वापस वो तीसरा गियर मांग लेती है। तो कोई भी चढ़ाई में थोड़ी सी चढ़ाई होगी तो उसके अंदर चढ़ाओगे तो वो वापस डाउन मांगती है, या आप गाड़ी लोड जैसे ही आप थोड़ा बहुत लोड में चलोगे तो गाड़ी दबने लग जाती है और डाउन मांगती है, स्पीड बढ़ने के बजाय घटती है। तो ऐसी समस्या क्यों आती है और ऐसी समस्या का समाधान के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल सस्ता सुंदर इलाज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाँ, तो दोस्तों जो ये मैं आपको समस्या बता रहा था उसके समाधान के लिए सबसे पहले अपन को जो डीजल पंप है कनेक्टर साइड के अंदर वहाँ आना पड़ेगा, और उसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें एक ये यहाँ जो गेज आता है उसके पास में एक ऐसे ढक लगा हुआ एक बोल्ट आता है। देखिए ये वाला बोल्ट है, ये कुछ गाड़ियों में तो 8 नंबर की एलंकी लगती है और कुछ गाड़ियों में यहाँ पर ये स्टील का आता है उसमें 14 नंबर की एलंकी लगती है, लेकिन इसमें ये प्लास्टिक का नट लगा हुआ है और इसके अंदर 8 नंबर की एलंकी लगी हुई है। तो सबसे पहले अपन इसको 8 नंबर की एलंकी से इसको खोलेंगे। दोस्तों हम लोगों ने इसका जो है ये बोल्ट खोल दिया है और बोल्ट खोलते इसमें से कुछ जो डीजल होता है पंप के अंदर वो डीजल बाहर आएगा और उसके बाद में बाहर आएगा और फिर अपन को क्या करना है, एक शीशे की मदद लेनी है और ये जो ये छेद है उस छेद के सिद्ध में शीशा लगाना है और आप शीशे के अंदर देख पाओगे कि जो इसका अंदर का रूटर है वो रूटर दिखने लग जाएगा। गाड़ी को न्यूट्रल करनी है और 12 के पाने से जो पंप में जो इसकी क्रैंक में जो पुली लगी हुई होती है उस पुली को घुमाना है। तो आप देखोगे जो ये शीशा है, शीशे के अंदर आपको देखो एक ये एक छेद सा दिख रहा है, इस छेद के अंदर एक आपको नट दिखेगा उसके अंदर 4 की एलंकी लगेगी। ये समस्या क्या है दोस्तों आती है कि जब गाड़ी को जितना डीजल चाहिए होता है उतना डीजल नहीं मिलता है तब ये समस्या आती है। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपन को इसका थोड़ा सा गाड़ी का डीजल बढ़ाना पड़ेगा। तो डीजल जब ज़्यादा मिलेगा तो गाड़ी खुली चलेगी तो दबेगी कम, और दबेगी कम तो फिर एवरेज भी सही देगी गाड़ी। तो ऐसे अपन इसको यहाँ से क्रैंक को घुमाते रहेंगे और उसे जो आईना है उस आईने में देखते रहेंगे। आईने में अपना जो वो 4 की एलंकी लगने वाला है बोल्ट है वो इस छेद की सिद्ध में आ जाएगा। और जैसे ये सिद्ध में आ जाएगा तो अपन को बिल्कुल सिद्ध में करके रोक लेना है। ये देखो आ रहा है, थोड़ा सा दिखने लग गया, थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। ये देखो ये एलंकी का बोल्ट आ गया है, अब इसमें अपन 4 की एलंकी लगाएंगे। ये अपने पास 4 की एलंकी है, मिनर को तो हटा देंगे। एलंकी को अच्छी तरीके से बैठाना है इस पर, कई बार क्या है एलंकी स्लिप हो जाती है तो स्लिप नहीं करना है। फिर एक इस पर यहाँ पे कोई भी पाना लगा के और इसको पीछे की तरफ नट को टाइट करना है, लगभग आधी चूड़ी आप टाइट कर देंगे तो इसका डीजल बढ़ जाएगा। अगर आप पूछो तो कितना बड़ा क्या बड़ा ये तो कोई कन्फर्म आइडिया नहीं है, लेकिन आप इसको चलाओगे तो आपको जैसे मान लो अगर आपकी गाड़ी 50 की स्पीड बग रही है तो इसको अगर आप इतनी सी जैसे मैंने बढ़ाई उतनी सी ओनली 25% चूड़ी बढ़ाओगे ना आप तो लगभग गाड़ी 60 से 70 के बीच में भगने लग जाएगी। जिस किसी की भी गाड़ी की स्पीड कम हो, 50 ही हो 40 ही हो, और स्पीड बढ़ाना चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।